हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था कैटालिस्ट और कैटालिसिस में क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन की सभी डिटेल्स हमने आपको बताई थी। समांगी उत्प्रेरण, विसमांगी उत्प्रेरण, धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष, स्व उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरण, तो जितने भी प्रकार के उत्प्रेरण की क्रियाएं होती हैं वो सभी हमने आपको बता दिया था। अब इसके बाद आज के टर्म में हम लोग पार्ट सिक्स में स्टडी करेंगे कि उत्प्रेरण की क्रियाविधि क्या है, कोई भी उत्प्रेरक अभिकारक के साथ मिलकर के किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, और थ्योरी ऑफ कैटालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। तो सबसे पहले इसमें बच्चों हम लोग देखते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हु प्रपोज द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। तो इसका श्रेय दिया जाता है क्लीमेंट एंड डेशार्ज एक्टिव 06 में। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, क्लीमेंट और डेशार्ज ने 1806 में। यह थ्योरी किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, यह बेस्ड है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पर, विसमांग उत्प्रेरण के सिद्धांत पर यह आधारित है। सिद्धांत क्या है, हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं कि कोई रिएक्टेंट है ए प्लस बी, यह है रिएक्टेंट अभिकारक है। इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सी, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ये ए बी बनाते हैं, और ए बी है प्रोडक्ट, ए और बी क्या है रिएक्टेंट, ए बी क्या है प्रोडक्ट, और जिसकी प्रेजेंस में सी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है ये है कैटालिस्ट। अब बच्चों ये सिद्धांत कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उस माध्यम में केवल उत्प्रेरक की उपस्थिति ही अनिवार्य होती है, क्योंकि संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान कैटालिस्ट में कोई भी चेंज नहीं होता। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी के आधार पर यह अभिक्रिया होती कैसे है, इसका पहला स्टेप होता है इनमें से कोई भी एक अभिकारक, हम मान लेते हैं कि ए है, ये सबसे पहले कैटालिस्ट से रिएक्शन करता है, ए है रिएक्टेंट, या इसी को हम कहते हैं सबस्ट्रेट, और सी है कैटालिस्ट। जब अभिकारक कैटालिस्ट से रिएक्शन करता है तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसको हम कहते हैं एसी, या इसी को हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। यह इंटरमीडिएट कंपाउंड विशेषता होती है कि यह मोर रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है।
इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है और स्थायित्व तो बहुत कम होता है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड सेकंड स्टेप में दूसरे अभिकारक पदार्थ से मिलता है, और जब दूसरे अभिकारक पदार्थ से मिलता है तो इसको ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और स्वयं जैसे था उसी मूल रूप में अपने आप को अलग कर देता है। सी हो गया कैटलिस्ट और ए भी हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों हम इसमें देखते हैं कि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी में कोई भी अभिकारक पदार्थ पहले कैटालिस्ट के साथ में रिएक्शन करता है और कैटालिस्ट से मिलकर के एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसको हम कहते हैं माध्यमिक यौगिक। और माध्यमिक यौगिक की विशेषता होती है कि ये ज्यादा क्रियाशील होता है और कम स्थायी होता है। ये माध्यमिक यौगिक दूसरे स्टेप में दूसरे सबस्टेट से मिल जाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में तथा स्वयं सेपरेट हो जाता है, क्योंकि रासायनिक दौरान संयोग के दौरान उत्प्रेरक की संरचना भार आदि में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी में तो हम लोग पढ़ते हैं कि जब लेड चैम्बर प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है और इसमें कैटलिस्ट के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड को यूज करते हैं और इससे बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसमें बेटा यह है सबस्ट्रेट, यह है कैटलिस्ट और यह है प्रोडक्ट। इस अभिक्रिया में अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे काम करता है, तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करता है, प्रोडक्ट बनाता है। पहले स्टेप में हम देखते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि उत्प्रेरक है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ये हो गया कैटालिस्ट, ये हो गया सबस्टेट, एक सबस्टेट है ये, और इससे मिलकर के ये बना देता है 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और यही होता है इस अभिक्रिया का इंटरमीडिएट कंपाउंड या माध्यमिक यौगिक। जैसे ही ये माध्यमिक यौगिक बनता है, सेकंड स्टेप में ये माध्यमिक यौगिक दूसरे सबस्ट्रेट से क्रिया कर देता है और दूसरे सबस्ट्रेट से क्रिया करके उसको कन्वर्ट कर देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में और स्वयं जैसे पहले था उसी रूप में सेपरेट हो जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि NO2 यह है कॉम्प्लेक्स सल्फर डाइऑक्साइड, यह है सबस्टेट और SO3 है प्रोडक्ट और नाइट्रिक ऑक्साइड है कैटलिस्ट। तो इस अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस रिएक्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड को कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले होता क्या है कि एक सबस्ट्रेट कैटलिस्ट से रिएक्शन करता है और इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, माध्यमिक यौगिक बनाता है। माध्यमिक यौगिक के बारे में हमने आपको बताया कि ये मोर रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है। जैसे ही ये बनता है तुरंत दूसरे सबस्ट्रेट से क्रिया कर लेता है, कॉम्प्लेक्स
दूसरे सबस्ट्रेट से क्रिया करता है और इसे कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में और स्वयं मूल रूप में सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी में कैसे कोई अभिकारक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, कैसे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ये मैकेनिज्म हमने आपको इस टॉपिक में क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद में हम लोगों को ये देखना है कि थ्योरी ऑफ बायोकैटालिसिस या एंजाइम के मैकेनिज्म, कोई भी एंजाइम कैसे अपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो बायोकैटालिसिस में हम आपको पढ़ा रहे हैं लाफेंड के हाइपोथेसिस, लाफेंड के हाइपोथेसिस। अब इसमें बेटा हम लोग ये देखते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1894 में एमिल फिशर ने किया था, एमिल फिशर ने किया था। तो ताला कुंजी परिकल्पना या लॉक की मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? एमिल फिशर ने किया था 1894 में। किस कॉन्सेप्ट पर यह आधारित है? तो जैसा कि इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी में हमने आपको बताया, ये भी आधारित है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पर, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पर आधारित। इसकी कंडीशन क्या होती है कि जितने भी एंजाइम होते हैं या बायो कैटालिस्ट होते हैं, इन सभी का नेचर जो होता है वो कोलाइडल होता है। ऐसा नेचर होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। इन कोलाइडल पार्टिकल्स का जो सरफेस पाया जाता है, पृष्ठ पाया जाता है, इस सरफेस पर कुछ खाली स्थान होते हैं और इस खाली स्थान को हम कहते हैं एक्टिव सेंटर्स। क्या कहते हैं? एंजाइम का नेचर कोलाइडल पार्टिकल के समान होता है, कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस के ऊपर कुछ क्रियाशील स्थान पाए जाते हैं, इन्हीं क्रियाशील स्थानों को ही हम कहते हैं एक्टिव सेंटर्स या सक्रिय स्थल। इन सक्रिय स्थल को हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, ये काम करता है लॉक का। किसका काम करता है? लॉक का। तो इसमें हम लोग ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि जो लॉक और के हाइपोथेसिस होती है वो है क्या, कि सबसे पहले इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलता है, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट और ये होता है एंजाइम, और ये जब आपस में मिलते हैं तो मिलकर के बनाते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स, ये होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ईएस क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है। और आपको हमने पहले भी बताया है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है, मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल होता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इसका डिसोसिएशन हो जाता है, तो ई कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में और एंजाइम जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, ई हो गया एंजाइम और पी बन जाता है प्रोडक्ट। तो बेटा देखो, इसमें ये क्लियर करना जरूरी है कि जितने भी एंजाइम होते हैं, हमने बताया कि ये कोलाइडल पार्टिकल होते हैं और इनके सरफेस पर एक्टिव सेंटर्स पाए जाते हैं, इसका मतलब कि एंजाइम जो होता है ये लॉक का काम करता है और जो सबस्ट्रेट होता है वो की का काम करता है। किसका काम करता है? की का काम करता है। इनके
सक्रिय स्थल पर या एक्टिव सेंटर पर सबस्ट्रेट जो होते हैं ठीक उसी प्रकार से फिट होते हैं जैसे लाग के अंदर की फिट हो जाती है। हर लाग को खोलने के लिए अपनी उसकी स्पेशल की होती है। इसी तरह से हर प्रकार के एंजाइम के एक्टिव सेंटर्स के लिए प्रोडक्ट या सबस्ट्रेट का संरचना मिलनी जरूरी होती है। तो उन्हीं स्थानों पर फिट होकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर इनके अपघटन से प्रोडक्ट बनता है और एंजाइम सेपरेट हो जाते हैं। इसके लिए हम देख लेते हैं कि ये कोई एंजाइम है। इसको हम कहते हैं एंजाइम और ये इसके हैं एक्टिव सेंटर्स। इसमें कोई प्रोडक्ट आता है और यह रिएक्टेंट की संरचना इस प्रकार की होती है। इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट और ये इसके साथ में जब मिलता है तो बना देता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यह है ई एस कॉम्प्लेक्स। अब इसका जब अपघटन होता है इसके अपघटन से एंजाइम जो होता है जैसे पहले था उसी रूप में सेपरेट हो जाएगा। ये एंजाइम हो गया प्लस जो सबस्ट्रेट था ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। इसमें कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में तो ये बन जाता है प्रोडक्ट। तो एक बार बेटा फिर से देख लीजिएगा कि बायोकैटालिसिस की थ्योरी है लॉक एंड के मॉडल या लॉक एंड के हाइपोथेसिस। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर इन 1894 और ये आधारित है विषमांग उत्प्रेरण पर। विषमांग उत्प्रेरण है क्या? जितने भी एंजाइम या बायोकैटालिस्ट होते हैं वो सभी कोलाइडिक कण होते हैं। कोलाइडिक कणों की सतह के ऊपर सक्रिय स्थल से पाए जाते हैं। इन सक्रिय स्थलों पर सबस्ट्रेट अधिशोषित होते हैं। एंजाइम किसका काम करता है? लाग का। सबस्ट्रेट किसका काम करता है? की का। एंजाइम पर सबस्ट्रेट फिट हो जाते हैं बनाते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो अपघटित हो जाते हैं। ये है ईएस कॉम्प्लेक्स। सक्रिय स्थलों पर आकर के सबस्ट्रेट फिट होकर के बनाता है ईएस कॉम्प्लेक्स। इसका अपघटन होता है तो एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का थ्योरी ऑफ बायोकैटालिसिस भी क्लियर हो जाती है।